हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन का पिस्टल जो है किस तरह इंट्रैक्ट करती है, इन दोनों के बीच जो होता है केमिकल गाइडेंस कैसे होता है, इस बात को हमें समझना है। और इसके पहले हम लोग समझे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे। यूनिसेक्सुअल प्लांट का होना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, नॉट सो ऑफ द सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि जितने मोनोसियस प्लांट होते हैं ये ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करते हैं, क्योंकि इनपे जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट पे होते हैं। और जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट पे होंगे तो वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस अधिक बनेंगे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है और आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना है। तो इसलिए इस तरह के जितने भी प्लांट होते हैं जो मोनोसियस टाइप के होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस डेवलप करते हैं कि अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने डिजायर्ड जीन को डेवलप करने के लिए। अंडरस्टैंड। और आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अंडरस्टैंड। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में अब ये देखा जाता है कि एयर पॉलिनेशन हो, वाटर पॉलिनेशन हो, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो, तो सबसे डिजायर्ड करेक्टर जो होता है आपका एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन के थ्रू डिफरेंट स्पीसीज से, डिफरेंट प्लांट से पॉलन ग्रेन जो होता है एक ही बार एक्सपोज होकर के एयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या उसमें सभी पॉलन ग्रेन जो है वांटेड ही होंगे? सभी पॉलन ग्रेन, क्या गारंटी है कि सभी पॉलन ग्रेन ये जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और लैंड करके जर्मिनेट करके पोस्ट पॉलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को डेवलप करेंगे? ये कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में जहाँ पर कि एयर पॉलिनेशन के थ्रू, एयर पॉलिनेशन अब इस एयर पॉलिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन जो है एक्जर्ट हो गए, और सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और सभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, ये कोई जो है जरूरी नहीं है, नहीं कि गारंटी है इसके। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होती है कि अब यहाँ पे हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़े थे कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। तो कंपेटिबल की कंडीशन क्या होती है? कंपेटिबल का मतलब ये होता है आपका वांटेड पॉलन ग्रेन, और जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन होते हैं उनको इनकम्पेटिबल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब पता चले कि कोई अदर जो है स्पीसीज का, अदर स्पीसीज पे चला गया पॉलन ग्रेन, तो उस कंडीशन में पॉलन और पिस्टिल के बीच एक केमिकल डायलॉग होगा। केमिकल डायलॉग का मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है? और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है ये क्या करेगा, पिस्टिल पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगा तो इसके मान लीजिए कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर गया, और लैंड करने के बाद अब ये पता चला कि सेम स्पीसीज के हैं, सेम फ्लावर के हैं। अंडरस्टैंड। तो उनका डीएनए भी क्या होगा, सेम होगा। और जब ये डीएनए सेम होगा तो अब ये पिस्टिल क्या करेगी, जो स्टिग्मा होती है ये स्टिग्मा जो है केमिकल गाइडेंस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेगी, और जब सिमिलर मिलेंगे तो उनको जर्मिनेट होने से ये रोकेगी। मतलब उस तरह के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, इनकम्पेटिबल कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन होती है कि अब डिफरेंट टाइप्स के डीएनए प्रेजेंट है, इसका डीएनए कुछ और है और जो पॉलन ग्रेन आ रहा है उसका डीएनए कुछ और है, तो दोनों के डीएनए क्या है, डिफरेंट है।
तो दोनों के डिपेंडेंट जब डिफरेंट होंगे तो उस तरह का पॉलन ग्रेन हमारा वांटेड होगा, अंडरस्टैंड। तो उस वांटेड पॉलन ग्रेन को हम बोलेंगे क्या, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन को अब ये पिस्टिल मतलब क्या, ये आपका स्टिग्मा जो है अलाउ कर देगा जर्मिनेट करने के लिए, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होती है कि जो वांटेड पॉलन ग्रेन होते हैं, ट्रू पॉलन ग्रेन, ट्रू पॉलन ग्रेन, इनको हम क्या बोलेंगे, कंपेटिबल। इनको हम बोलेंगे क्या, कंपेटिबल। और यदि फॉल्स, पॉलन ग्रेन होगा तो इसको हम बोलेंगे इनकंपेटिबल। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रू पॉलन ग्रेन और फॉल्स पॉलन ग्रेन, वांटेड और अनवांटेड पॉलन ग्रेन, क्योंकि जो एयर पॉलिनेशन हो रहा है तो एयर के माध्यम से जो है पॉलन ग्रेन जो एक्सपोज होंगे, तो एक्सपोज होने के साथ उसमें वांटेड भी होंगे और अनवांटेड भी होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और लैंड करके पॉलन जर्मिनेशन यहाँ होगा और पॉलन जर्मिनेशन के थ्रू जो है यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब कंडीशन होती है कि जितने ट्रू पॉलन ग्रेन होते हैं, कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उसको स्टिग्मा क्या करती है, जर्मिनेशन के लिए अलाउ कर देती है, अंडरस्टैंड। तो पॉलन ग्रेन की कंडीशन क्या होती है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, अब ये जो है पॉलन ग्रेन है और इसके बीच में ये आपका पॉलन ग्रेन, इसको बोलते हैं हम एग्जाइन, और एक का नाम है इनर वॉल, इन टाइम एग्जाइन, और ये है इन टाइम। इसमें एक न्यूक्लियस होती है प्राइमरी स्टेज में, इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, अंडरस्टैंड। लेकिन जब ये दूसरी कंडीशन में ये क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, सपोज दैट कि अब यहाँ से जर्मिनेट होने वाला पॉलन ग्रेन जो है कैसा है, कंपेटिबल है, अंडरस्टैंड, इनकंपेटिबल नहीं है। तो कंपेटिबल जब पॉलन ग्रेन होगा तो प्राइमरी स्टेज में पॉलन ग्रेन की कंडीशन क्या होगी कि ये जो है टू शेल्ड स्ट्रक्चर होगा, एक जो है बड़ी सेल होगी और एक जो है छोटी सेल होगी, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। तो जो लार्ज सेल होगी इसका नाम देंगे हम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और इसका नाम देंगे हम जर्म सेल, इसका नाम देंगे हम जर्म सेल। तो टू शेल्ड स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्टेज में, अंडरस्टैंड। अगर टू शेल्ड स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी स्टेज में तो इसको हम डेवलप पॉलन ग्रेन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। इसको क्या बोलेंगे हम, डेवलप पॉलन ग्रेन। तो सपोज करिए कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या है, ये पॉलन ग्रेन है, इनका नाम रखा गया पॉलन ग्रेन। अब ये कोई जरूरी नहीं कि कौन कंपेटिबल है कौन इनकंपेटिबल है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से जो है ये होगा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ये है आपका एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, इसके बाद ये है पोलन, ठीक है। तो अब ये जो होता है एंटीपोडल सेल, और इसके पहले हम फर्टिलाइजेशन में बता चुके हैं कि जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसमें जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो जो होती है, उसमें मैच्योर एम्ब्रियो जो होती है वो एट सेल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें थ्री सेल जो होती है ठीक उसको हम एंटीपोडल कहते हैं, क्योंकि माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और थ्री सेल जो होती है जो माइक्रोपाइल के साइड में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स न्यूक्लियाई, और दो सेंटर होती है इसको हम नाम देते हैं पोलर
न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, अंडरस्टैंड, पोलर न्यूक्लियाई या इसको हम सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। और इसमें जो होता है इसको हम नाम देंगे सिनर जिट सेल, ठीक है, सिनर्जिट्स सेल में, इसमें सिनर्जिट्स सेल में टू सेल जो होती है ये सिनर्जिट्स होती है, और वन सेल जो होती है इसको हम बोलते हैं एग सेल, अंडरस्टैंड, एग सेल की कंडीशन। तो अब क्या कंडीशन है कि अब यहाँ पर सपोज करिए कि डिफरेंट टाइप्स के पालन ग्रेन आप करके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, क्योंकि स्टिग्मा तो मूव नहीं कर पाएगी, कि जब भी यहाँ पे लैंड करेगा तो एक वांटेड या ट्रू पॉलन ग्रेन ही लैंड करेगा, फॉल्स नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के लैंड कर रहे हैं, लेकिन अब जो आइडेंटिफाई करना है वो किसको आइडेंटिफाई करना है, स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डायलॉग हो रहा है। कॉन्टिन्यूस डायलॉग का मतलब होता है केमिकल गाइडेंस, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है ये वांटेड पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेगी और अनवांटेड पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करेगी। तो इसको जो है रिसेप्ट करेगी जो वांटेड होगा, और जो अनवांटेड होगा उसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। रिजेक्ट करने का मतलब कि उनको जर्मिनेशन होने से रोकेगी, अरे बात सुन ले, और जब ये जर्मिनेशन होने से रोकेगी तो उस तरह की कंडीशन जो होती है उसको हम कहते हैं रिजेक्शन। और एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन एक्सेप्ट किसको करेगी, जो वांटेड पॉलन ग्रेन, मतलब क्या है, ट्रू पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और जो फॉल्स पॉलन ग्रेन है उसको ये रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर ट्रू पॉलन ग्रेन जो है, ऑलरेडी देखिए यहाँ पर फॉल्स पॉलन ग्रेन है, तो थोड़ा सा जर्मिनेट करके क्या किया, अब यहीं पर रुक जाएगा, केमिकल गाइडेंस होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा, केमिकल कौन करेगा, पॉलन ग्रेन और उसके बाद स्टिग्मा के बीच होगा, ठीक है। तो अब पॉलन ग्रेन, अब दूसरी तीसरी कंडीशन क्या है कि अब इसको इन्होंने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये जो है अनवांटेड नहीं है, ये वांटेड है, ठीक है। जब ये वांटेड होंगे तो उस कंडीशन में इसको ट्रू पॉलन ग्रेन बोलेंगे, तो ट्रू पॉलन ग्रेन जो होगा क्या होगा, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। और कंपेटिबल पॉलन ग्रेन को जब ये स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगी तो अब ये कंपेटिबल पॉलन ग्रेन के जर्म सेल से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो अब यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में तो क्या कंडीशन थी, पॉलन ग्रेन की टू सेल स्ट्रक्चर था, लेकिन अब बाद में कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ पे जो होगा आपका थ्री सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, टू जो है मेल गैमेट होंगे, टू जो है मेल गैमेट होंगे और एक जो है आपका ट्यूब सेल होगी, तो थ्री सेल स्ट्रक्चर जो होगा ये हो जाएगा आपका पॉलन ट्यूब, अंडरस्टैंड। और पॉलन ट्यूब में थ्री सेल स्ट्रक्चर, तो अब इस तरह का पोजीशन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में जो इवेंट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, उसी का नाम लिया जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अंडरस्टैंड। अब जब ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा तो उस कंडीशन में इस पॉलन ग्रेन से ट्यूब, पॉलन ट्यूब निकलेगी। अब ये पॉलन ट्यूब जब ये निकली तो ऑलरेडी ये होता हुआ कहाँ पहुंची, किसके पास पहुंची, माइक्रोपाइल के पास पहुंची। और माइक्रोपाइल पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल पर थ्री सेल्ड प्रेजेंट है, जिसमें दो सिनर्जिक्स सेल है और एक जो है एक सेल है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन में यहाँ पर जो ये आपका फिदरी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपर्टस। और फिलीफॉर्म ऑपर्टस में ये डिफरेंट टाइप्स के सर्च के थ्रू ये प्रूफ किया गया कि ये फिलीफॉर्म ऑपर्टस जो होता है यहाँ पर भी केमिकल गाइडेंस होता है, किसके लिए, पॉलन ट्यूब की एंट्री कराई जाती है, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो के अंदर इसकी एंट्री करेगी तो ये आपका जो फिलीफॉर्म ऑपर्टस होगा ये सीधे केमिकल गाइडेंस के थ्रू क्या करेगा, एक पॉलन ग्रेन, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, दो पॉलन ग्रेन है, तो एक पॉलन ग्रेन को ले जाकर के क्या कर देगा, ये एक सेल से ज्वाइंट कर देगा, अंडरस्टैंड। और जब एक सेल से मिक्स होगा तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा, अंडरस्टैंड। जब फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा तो ये ऑलरेडी आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, अंडरस्टैंड, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, अरे बात सुनिए। अब दूसरी कंडीशन ये होती है
कि यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि इस तरह के प्लांट जो होते हैं पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन में, जहाँ पर कि अपने पॉलिनेशन को एक दूसरा तरीका जो अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? इमैस्कुलेशन और दूसरी कंडीशन होती है बैगिंग, ठीक है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन मतलब ये होता है कि रिमूवल या रिमूव ऑफ एंथर बाय द हेल्प ऑफ सीजर, ठीक है, कि एंथर को जो है किसी फ्लावर से क्या किया गया, रिमूव किया गया, कब, उसको डेवलपमेंट होने से पहले, ठीक है, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द एंथर रिमूवल ऑफ फ्लावर, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमैस्कुलेशन बोलेंगे। अगर में क्योंकि यदि उस फ्लावर के एंथर को रिमूव न किया जाए तो ऑलरेडी वहां पर क्या कंडीशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए किसी फ्लावर से एंथर को सीजर के थ्रू जो होता है उसको अलग करना, कब, उसके डेवलपमेंट होने से पहले, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम फ्लावर, अंडरस्टैंड, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो उसको बोलते हैं हम क्या, इमैस्कुलेशन। तो जब इमैस्कुलेशन के थ्रू जो होता है हमने एंथर को क्या कर दिया, फ्लावर से रिमूव कर दिया, अंडरस्टैंड, तो अब क्या बच गया, केवल स्टिग्मा बच गए। अब स्टिग्मा को हम क्या करेंगे, अब इसे मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, अंडरस्टैंड, और ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा को हम एक बटर पेपर से, अंडरस्टैंड, बटर पेपर से जो है क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो जब बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, बैगिंग। क्या नाम देंगे, बैगिंग। बैगिंग क्यों करेंगे हम, क्योंकि यदि हमने बैगिंग नहीं किया, इसको कवर नहीं किया बटर पेपर से, तो ये ऑलरेडी जब ये आपका एंथर्म के थ्रू या आपका स्टिग्मा मैच्योर होगा तो किसी अनवांटेड पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेगा, अंडरस्टैंड। तो ये अनवांटेड पॉलन ग्रेन को रिसीव करने से प्रिवेंट होने के लिए हम क्या करेंगे, स्टिग्मा को हम कम्प्लीटली रूप से बटर पेपर से कवर कर देंगे, जिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है बैगिंग, अंडरस्टैंड। और बैगिंग हो गया तो ऑलरेडी क्या कंडीशन हो जाएगी, अब यदि आप चाहेंगे कि जब अब ये डेवलप कर गया कौन, स्टिग्मा, तो स्टिग्मा डेवलप कर गए तो अब यहाँ से अब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ये ले आकर के लैंड करेंगे और यहाँ प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज करा सकते हैं, अंडरस्टैंड। मतलब इनकम्पेटिबल, ठीक है, इनकम्पेटिबल, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को डिस्करेज करेंगे और कंपेटिबिलिटी को इंकरेज करेंगे, अंडरस्टैंड। इस तरह की पोजिशन जो होती है तो यहाँ पर दो प्रोसेस आते हैं और ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका इमैस्कुलेशन है, तो इमैस्कुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद जो है बैगिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये होती है कि कुछ स्पीसीजें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा पॉलन जर्मिनेशन को देखा जा सकता है, जैसे पी प्लांट का फ्लावर है, हिबिस्कस रोजासा अमेंसिस का फ्लावर है, बिंका रोजिया का फ्लावर है। इन फ्लावर से पॉलन ग्रेन को आप क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए, और सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, 10% शुगर सोल्यूशन, और 10% शुगर सोल्यूशन को मिक्स करके उसको प्रिपेयर्ड करके कवर स्लाइड होती है, एक जो है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो प्लेन स्लाइड होती है, लेकिन इसके लिए जो होता है एक अलग तरीके स्लाइड आती है जिसको हम बोलते हैं कैविटी स्लाइड, कि दोनों तरफ क्या बनेगी रहेगी, कैविटी का फॉर्मेशन होगा थोड़ा सा, अंडरस्टैंड। तो जब ये कैविटी का फॉर्मेशन होगा तो इस कैविटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलन ग्रेन को हम एग्जर्ट करेंगे यहाँ पर। दूसरी बात क्या करेंगे कि यहाँ जो 10% सोल्यूशन हमने सुगरी सोल्यूशन बनाया है, उस सोल्यूशन के 2 ड्रॉप जो हो इस कैविटी में रखेंगे, और 2 ड्रॉप कैविटी में रख करके इसको 30 मिनट तक इसको छोड़ेंगे,
ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अब धीरे धीरे इसमें आपके जर्मिनेशन दिखने लगेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में, अंडरस्टैंड। इसमें कि दो तरह की कंडीशन आती है, कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। जो ट्रू पॉलन ग्रेन होंगे उसको हम कंपेटिबल बोलेंगे, और जो फॉल्स पॉलन ग्रेन होंगे उनको हम इनकम्पेटिबल बोलेंगे, अंडरस्टैंड। क्योंकि उस कंडीशन में जब इसका पॉलिनेशन होगा एयर के माध्यम से, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि सभी पॉलन ग्रेन जो होते हैं इस पे जो लैंड किए हैं स्टिग्मा पे, तो सभी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाए, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब जैसे लैंड करेंगे तो अब स्टिग्मा के अंदर क्या होगा, एक केमिकल गार्डेंस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू वांटेड और अनवांटेड, मतलब ट्रू एंड फॉल्स पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने की टेंडेंसी है। तो जब ये ट्रू पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, अब ये ट्रू पॉलन ग्रेन को जो है जर्मकोर के थ्रू ये अलाउ कर देगी, क्या देखें तो ये जर्मिनेशन के लिए। अब जब जर्मिनेशन के अलाउ करेगी तो ऑलरेडी इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेंगे, पॉलन ट्यूब से होता हुआ ये आपका मेल गैमेट्स कहाँ आएगा, माइक्रोपाइल के पास आएगा, और माइक्रोपाइल के पहले क्या होगा, क्या कंडीशन होगी इसके अंदर, अब इसके अंदर यहाँ से माइक्रोपाइल से होता हुआ एक सेल के पास जाएगा एक पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पर फिर बोलेंगे आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, अंडरस्टैंड। लेकिन इसके और इसके बीच के बीच में जितने इवेंट होते हैं उसी सारे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।